तो दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी में। दोस्तों हमने इससे पहले जो है दो चैप्टर पार्ट बना दिए हैं। जो चैप्टर 4 चल रहा था हमारा, आज का ये तीसरा पार्ट है। जो चैप्टर का नाम था कार्यपालिका, तो उसका आज ये तीसरा पार्ट है। तो देखते आगे। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होता क्या है ये जानेंगे आज। भारत में प्रधानमंत्री का पद एक ताकतवर पद होता है। भारत में प्रधानमंत्री का जो पद होता है एक ताकतवर पद होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री को लोकसभा में जो है बहुमत प्राप्त होता है और वो वहाँ का प्रधान होता है, लोकसभा का वहाँ का नेता होता है। बहुमत खो जाने पर प्रधानमंत्री अपना पद भी खो देता है। अगर उसे लोकसभा से जो बहुमत थी वो उसकी खो गई है, उसे बहुमत प्राप्त नहीं हुई है लोकसभा में, तो वह अपना पद खो देता है। इस समय प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री जो है अपने मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। वह निर्धारित करता है कि उसके मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री जो है वो अपने जो मंत्रिपरिषद है उसका भी प्रधानमंत्री प्रधान होता है और वो निर्धारित करता है। वो ही देखता है कि जो यहाँ के जो मंत्री है मंत्रिपरिषद में जो है कौन मंत्री बनेगा, कौन लोग मंत्री होंगे, तो ये भी यही देखता है प्रधानमंत्री। मंत्रियों को उनके वरिष्ठता योग्यता के आधार पर विभिन्न मंत्रालय दिए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, और भी कई सारे होते हैं मंत्री। तो ये जो है ना प्रधानमंत्री उनको उनकी योग्यता के आधार पर या वरिष्ठता के आधार पर बांटता है, उनको कार्य देता है। तो देखते आगे। तो ये बता दिया मैंने प्रधानमंत्री के बारे में आपको, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या था, क्या होता है। चलते आगे। मंत्री निम्न प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो केंद्रीय मंत्री होता है, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो ये तीन प्रकार थे मंत्रियों के। प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। अब प्रधानमंत्री है तथा सभी मंत्रियों के लिए हमारा संसद है उसका सदस्य होना जरूरी होता है। संसद का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। तो अगर कोई प्रधानमंत्री अगर संसद का वह सदस्य नहीं है, अगर वह प्रधानमंत्री या मंत्री बन जाता है तो उसे जो संसद का है सदस्य निर्वाचित होना पड़ता है। उसके बाद अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पैदा हो जाए तो सारी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ये मंत्रिपरिषद के बारे में है। तो अभी भी हम वही देख रहे हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। मैंने थोड़ा बीच में ला दिया था कुछ आपके लिए अलग। तो मंत्रिपरिषद जो है अगर किसी मंत्री के खिलाफ कोई भी अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि अगर कोई प्रस्ताव आता है कि ये मंत्री जो है ठीक से काम नहीं कर रहा, इसको निकाल दो, तो जो सारी मंत्रिपरिषद है ना सबको इस्तीफा देना पड़ता है एक की वजह से। लेकिन ये ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है, ना के बराबर है। लेकिन अगर हो जाए तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद जो है उसको इस्तीफा देना पड़ता है। पीएम की मृत्यु या त्याग पत्र देने के बाद पूरा मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। मंत्रिपरिषद कब कब भंग होता है? एक तो ये बता दिया था मैंने आपको कि अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव पैदा हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद जो है भंग हो जाती है, इस्तीफा देना पड़ता है। या पीएम की मृत्यु हो जाए या उसने त्याग पत्र दे दिया हो तो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद जो है भंग हो जाता है। ये था आपका प्रधानमंत्री था और मंत्रिपरिषद था ये आपका। तो देखते आगे। मंत्रिपरिषद की शक्तियों के क्या साधन है? साधन क्या है? मंत्री जो प्रधानमंत्री है उसकी शक्ति के क्या साधन है? मीडिया तक पहुंच होती है उसे। लोकसभा का नेतृत्व, मैंने बताया था आपको लोकसभा जो दल होता है उसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री, तो उसका नेतृत्व करता है। अधिकारी वर्ग और अधिपत्य, जो जो अधिकारी वर्ग है जो सारे कार्य उस यही देखता है। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, मंत्री परिषद है उस पर भी इसका ही नियंत्रण होता है, यही प्रधान है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेश यात्राओं का अधिकार, जो प्रधानमंत्री होता है वो विदेश यात्रा भी करता है और अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है उसमें भाग लेता है।
तो ये थे आपके पांच जो मंत्री परिषद जो प्रधानमंत्री होता है उसकी शक्तियों के क्या क्या साधन हैं, तो ये पांच थे आपके, ये पेपर में आता है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलते आगे, और प्रधान तब ज़्यादा सॉरी यहाँ पे प्रधान लिखा है, मंत्री भी आता, और प्रधानमंत्री तब ज़्यादा ताकतवर होता है जब लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा तब ताकतवर होता है जब उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, अगर उसे बहुमत प्राप्त नहीं है लोकसभा में तो वह कुछ नहीं है। गठबंधन की सरकारों की वजह से प्रधानमंत्री की शक्तियों में काफ़ी परिवर्तन आ गए हैं। जो गठबंधन की सरकार है तो उसके आने से, जैसे कि जानते हैं हमारा 1989 से जो हमारा गठबंधन का युग स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से उनकी शक्ति में काफ़ी परिवर्तन आ गए। 1989 से भारत में हमने गठबंधन सरकारों का युग देखा है। इनमें से कुछ सरकारें तो लोकसभा की पूरी अवधि तक भी सत्ता नहीं रह सकी, न रह सकी। तो इसका अर्थ है कि जो जो गठबंधन का युग था 1989 के बाद जो सरकार बनी, गठबंधन की सरकारें, वो अपना कार्यकाल पूरा कर ही नहीं पाती थी 5 साल तक, उससे पहले ही वो भंग हो जाती थी, वो सत्ता चला ही नहीं पाती थी। तो ये था गठबंधन की सरकार। प्रधानमंत्री पद की शक्तियों में आए बदलाव, क्या क्या बदलाव आए प्रधानमंत्री की शक्तियों में देखते हैं। प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ी, जो प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ी, जो राष्ट्रपति है उसकी भूमिका बढ़ जाती है प्रधानमंत्री के चयन में। दूसरा, राजनीतिक सहयोगियों से परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है, जो राजनीतिक सहयोगी है परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है। राजनीतिक सहयोगी मतलब नेता हो गए, मंत्री हो गए, यही सब। तीसरा, प्रधानमंत्री के विशेषाधिकारों पर अंकुश लगा, जो प्रधानमंत्री के कुछ विशेषाधिकार होते हैं उन पर अंकुश लग गया। सहयोगी दलों के साथ बातचीत तथा समझौते के बाद में नीतियाँ बनती है, के बाद ही नीतियाँ बनती है। सहयोगी दलों के साथ बातचीत यानी सभी से समझौता करके बातचीत करके तभी जो है नीतियाँ बनती है। तो ये थे आपके जो प्रधानमंत्री पद की शक्तियों में आए बदलाव क्या क्या है, तो ये आपके चार थे। राज्य में कार्यपालिका का स्वरूप, जो राज्यों में कार्यपालिका वो कैसा होता है, राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूप कैसा होता है। राज्य में एक राज्यपाल होता है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, जो हर एक राज्य में होता है राज्यपाल, जिसका जो चयन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जैसे हमने देखा था प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, उसी तरह राज्य में मुख्यमंत्री होता है, वो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। बाकी सभी सिद्धांत वही है जो केंद्र सरकार में संसदीय व्यवस्था होने के कारण लागू है। हाँ, बाकी जो सिद्धांत उसके आगे के वही है जो केंद्र सरकार में संसदीय व्यवस्था, जानती होंगे आप लोगों, के कारण लागू है। संसदीय व्यवस्था बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले बता दिया आपको। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा, बहुत ही ईजी टॉपिक थे आज के। तो अगर आपको ये आ गया हो समझ में तो वीडियो को लाइक कर दे एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन दबा दे, ताकि जो हमारे आने वाले जो अपडेट्स हैं नए नए आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसी के साथ मैं कृष्णा आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।